दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 7 अप्रैल 2022 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। 7 अप्रैल 2022 को मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके दोपहर के 3:16 पर राशि परिवर्तन करके शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में इनका गोचर 7 अप्रैल 2022 से लेकर के 17 मई 2022 तक रहेगा। कुंभ राशि में मंगल का गोचर आपकी राशि के लिए कैसा प्रभाव देगा, 12 राशियों के लिए कैसा फल निर्मित करेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों मंगल जो कि आपके पराक्रम, साहस, आपके पुरुषार्थ का कारक है, मंगल जो आपको आपके दृढ़ संकल्प को याद कराता है, आपको हर प्रकार से क्रिया करने पर मजबूर करता है, जो आपके अंदर साहस और बहुत ही मेहनत उत्पन्न करता है, ऐसा मंगल जो हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी होता है। अगर व्यक्ति के अंदर मंगल की ऊर्जा है और वो सही रूप से है तो वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में खुशियों की तलाश करता रहेगा। तो इसीलिए मंगल का है परिवर्तन जानना बहुत जरूरी होता है और मंगल का प्रत्येक गोचर एक अद्भुत और बेहद खास फल देता है। दोस्तों यह गोचर फल, यह राशि फल आपको मैं बताऊं, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, यह गोचर फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस गोचर फल को देखें और सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सरकारी नौकरी कारक मंगल आपके प्रत्येक कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से चलाने वाले मंगल, आर्मी इत्यादि या किसी प्रकार से जो भी ऐसे कार्य जो मेहनत करते बहुत ज़्यादा, हर किसी में मेहनत लगती है और वो कार्य जो बहुत ही जल्दी से आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके कारक मंगल होते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से मंगल आपके लिए क्या कुछ करने वाले हैं, कैसा आपको फल प्रदान करने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी राशि से मंगल का गोचर एकादश भाव में रहेगा। मंगल सबसे पहले एकादश में बैठ करके आपको धन लाभ अधिक मात्रा में कराएंगे और खास करके ये कम से कम इनका जो गोचर है लगभग 40-41 दिन का होगा और इस गोचर के अंतराल में ये आपको 1 महीने यानी 30 दिन तक तो बहुत ज्यादा लाभ कराएंगे। उसके बाद में इनका लाभ जो है थोड़ा सा कम होगा धन लाभ की स्थिति में। मंगल की इस स्थिति में आपको धन लाभ होगा और इनकम के अलग अलग स्रोत आपके बनेंगे, लेकिन आपको मंगल की वजह से एक प्रॉब्लम भी होगी। ये प्रॉब्लम आपकी पारिवारिक चीजों में हो सकती है, आपका घमंड बढ़ना, परिवार के लोग आपसे नाराज हो जाएं, आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण ना होना, ये आपको नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें, परिवार में सामंजस्य बनाने की कोशिश करें। मंगल की सातवीं दृष्टि जो सप्तम दृष्टि है उससे आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लव लाइफ में आपका ईगो बढ़ जाएगा, आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा गंदा बिहेवियर दिखाएंगे जिस वजह से, और आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। अकारण का गुस्सा आना, मानसिक तनाव बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, ये भी आपको हो सकता है। इससे आपको क्या है, दो तरफा चीजें परेशान करेंगे। एक आपका अगर आप पढ़ाई इत्यादि करते हैं या अपना काम काज इत्यादि देखते हैं उसमें आप डिस्टर्ब होंगे, दोनों चीजों में सामंजस्य नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम भी आपको होगी। वैसे शिक्षा में आपका अगर देखा जाए तो अगर आप लव लाइफ इत्यादि किसी के साथ में आप इन्वॉल्व नहीं है यानी सिंगल है तो आपके लिए आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी और पढ़ाई में आपका बहुत मन लगेगा और खास करके आप किसी परीक्षा में अगर बैठते हैं तो आपकी बहुत अच्छी सफलता की उम्मीद है। मंगल की आठवीं दृष्टि जो है वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, आपके गुप्त शत्रुओं को एक्टिव कर सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं, ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपको कर्ज इत्यादि की भी संभावनाएं हैं, कर्ज इत्यादि लेना पड़े अथवा कर्ज आप किसी को दे देते हैं, आपका कोई व्यक्ति, कोई रिलेटिव इत्यादि कोई पैसा आपका मांग लेता है या मांग रखा है तो वो आपको ये भी आभास होगा, एक नया अनुभव आपको मिलेगा कि आपका पैसा फंस चुका है, अब आपको कोई पैसा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी,
या बहुत बुरी स्थिति देखने को मिलेगी। मंगल की इस स्थिति में थर्ड पार्टी की स्थिति बहुत जबरदस्त हो जाती है, यानी कि लव लाइफ में थर्ड पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। यहां पर सबसे ज्यादा जानने योग्य बात यह भी है कि ऐसी स्थितियों में ही जब हम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है। इसलिए आप अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करेंगे, उससे बहुत उम्मीद लगाएंगे, तो वो अब किसी और के हवाले हो जाएगा, यानी वो दूर चला जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यह स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो मंगल का गोचर दशम भाव में रहेगा, आपको आश्चर्यजनक धन लाभ कराएगा, करियर में उन्नति होगी। अगर आप डिफेंस से संबंधित कोई भी जॉब इत्यादि में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे, कोई फोर्स इत्यादि में है तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रमोशन के योग बन रहे हैं। उसके साथ साथ आपके लिए सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। आप अगर प्रॉपर्टी इत्यादि परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। मकान बनाने की शुरुआत कर सकते हैं या मकान खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो बहुत अच्छा धन लाभ भी आपको हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि से आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है, उस वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ा सा, आपको अपने पार्टनर पर अकारण गुस्सा आए, लव लाइफ में थोड़े झगड़े हो जाएं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आप खुद ही महसूस करें कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग से परेशान हो जाएं, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी आपको हो सकती हैं। ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, मंगल नवम भाव में रहेगा, आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर प्रमोशन के बहुत प्रबल योग हैं, यात्राएं बहुत अधिक होंगी, खर्चे भी बहुत अधिक होंगे, कोर्ट कचहरी से चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा उलझ जाएंगी कोर्ट कचहरी में, और अगर आप कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई उलझन में फंसे हुए हैं तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उसके साथ साथ यात्राएं बहुत ज्यादा, भागदौड़ बहुत ज्यादा होने वाली है, और उसके साथ साथ आपके लिए छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद की स्थिति भी नजर आ सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित आपको धन लाभ हो सकता है या मकान वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, यह स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आप ओवर थिंकिंग से परेशान रहेंगे, आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिजूल की यात्राएं होंगी, और उसके साथ साथ आपको गुस्सा बहुत अधिक आएगा, ओवर थिंकिंग बहुत होगी, आपको अपने पार्टनर पर शक बहुत ज्यादा हो जाएगा, शक की वजह से परेशान हो जाएंगे और आपके पार्टनर का कहीं अफेयर इत्यादि की भी संकेत स्थितियां दिख जाएंगी। यहाँ पर मंगल की स्थिति आपको अचानक से धन लाभ भी करा देगी और उसके साथ साथ आपको पारिवारिक कलह में भी डाल देगी। पारिवारिक विवादों से भी आपको बचना चाहिए, वाणी पर भी नियंत्रण रखना चाहिए और छोटे भाई बहनों के साथ में सामंजस्य बनाने के साथ साथ आपको अपने व्यवहार को भी अच्छा बनाकर रखना चाहिए। तो ये स्थिति है। बाकी एक चीज और है यहाँ पर, वो ये है कि अगर आप किसी प्रकार से पुलिस ऑफिसर हैं या आप किसी ऐसे एजेंसी में काम करते हैं जैसे CBI, CID इत्यादि, तो उसमें आपको बहुत अच्छा केस मिल सकता है, या फिर आप किसी केस में बहुत इन्वेस्टिगेट इत्यादि कुछ कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा सुराग मिल सकता है जिससे आपको बहुत लाभ हो जाए, और उससे ही आगे आपके लिए, क्योंकि अष्टम से नवम जब जाएगा, अगला परिवर्तन जब मंगल का होगा तो प्रमोशन की एक उम्मीद दिखती है। तो ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर मंगल सप्तमस्त बैठ करके आपके लिए प्रबल संकेत बना रहे हैं जिसमें आप अपने पार्टनर से अकारण झगड़ेंगे, मैरिड लाइफ बहुत बुरी स्थिति में जाएगी, पार्टनर भी आपको बार बार बहुत छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक होगा, घर में कलह का वातावरण बना रहेगा, लेकिन धन लाभ बराबर होता रहेगा, कोई मकान वाहन इत्यादि परचेस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रबल संकेत बन रहे हैं कि आप लव मैरिज को लेकर के भी अपने परिवार से उलझ सकते हैं, लव मैरिज को लेकर के भी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपके लिए देखा जाए तो यहाँ पर करियर से संबंधित आपको लाभ होने वाला है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपके लिए महीना, मतलब ये गोचर बहुत ज्यादा खास बन जाता है। तो ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, खास करके सरकारी कार्य में रुकावट आएगी,
अगर आप किसी प्रकार से कोई सरकारी जॉब इत्यादि कर रहे हैं तो वहां पर बहुत उलझने पैदा होंगी, स्टाफ आपका नाराज हो जाएगा, आप अधिकारी हैं तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, आप पर कोई लीगल एक्टिविटी हो सकती है, कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है, झूठे आरोप लग सकते हैं और उसके साथ साथ आपके गुप्त शत्रु बहुत एक्टिव हो जाएंगे। तो जो आपसे जुड़ते हैं, जो आपसे बार बार आपकी बुराइयां करते हैं, वो बहुत ही एक ओवर उसमें आ जाएंगे जिसमें आप अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे। कर्ज की समस्या परेशान कर सकती है, कर्ज इत्यादि किसी को देने से बिल्कुल बचना होगा आपको, और कुछ आपको तनाव की स्थिति भी महसूस हो सकती है। खर्चे बहुत होंगे, विवाद और बहस और बहुत ज्यादा होगी, झगड़े छोटे मोटे बहुत होंगे, पुलिस केस इत्यादि से बचना होगा आपको और विवादों से बचना होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति उन लोगों की है जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं तो धन लाभ अधिक मात्रा में होगा और बहुत अच्छे आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बहुत अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। यहाँ पर प्रबल संकेत आपके प्रमोशन के भी बन जाएंगे अगर आप विदेश में रहते हैं तो। कठिनाइयाँ हालांकि बहुत रहेंगी, कहीं भी रहें लेकिन कठिनाइयों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जल्दबाजी से बिल्कुल बचें, धैर्य की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी। तो स्थिति दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए देखा जाए तो पंचमस्त ये गोचर मंगल का आपको धन लाभ कराएगा, प्रेम संबंधों में बहुत प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध मजबूत होंगे, शिक्षा में उन्नति होगी, शिक्षा में बहुत आपको स्थितियां अच्छी देखने को मिलेंगी। अगर कोई परीक्षा इत्यादि होता है तो आपके लिए परीक्षा में बैठना बहुत सफल रहेगा। आपके लिए यहाँ पर करियर की कोई चॉइस करना, करियर के लिए कोई डिसीजन लेना आपके लिए बहुत अच्छा समय है, ऐसे डिसीजन आप इस समय पर ले सकते हैं। इस गोचर काल में आपको प्रमोशन या आपके स्थान परिवर्तन के अधिक ट्रांसफर इत्यादि के अधिक योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी में तो खास करके ट्रांसफर इत्यादि चाहते तो मन मुताबिक ट्रांसफर हो जाए, ये स्थिति भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको धन लाभ भी होगा और खर्चे भी बहुत अधिक होंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो प्रबल योग हैं, बहुत विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे, ये स्थिति है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों नई प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का मंगल आपके लिए मकान वाहन इत्यादि के सुख आपको प्रदान करेगा। आप अगर बहुत अपने आप को बेसहारा महसूस कर रहे थे तो आपको सहारा मिल सकता है, माँ का साथ मिल सकता है, पिता का साथ मिल सकता है, किसी कार्य में बहुत बड़ी बुरी तरह उलझे हुए थे तो उनका साथ मिलेगा और उस उलझन से निकल पाएंगे। आपके दोस्त आपका सहयोग कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन आपका हर कार्य में सहयोग और बहुत अच्छी तरीके से आपका साथ दे सकते हैं। हालांकि मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब बहुत ज्यादा मालूम चलेगा, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ी सी कलहपूर्ण स्थितियां भी हो सकती हैं और खास करके आपकी सास की वजह से दिक्कत हो सकती है। बहुत ज्यादा अधिक संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि आपको धन लाभ होगा, करियर में उन्नति होगी, लेकिन उससे ज्यादा आपको अपने करियर को बचाने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है, खुद से प्रयास करते रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है, स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, मंगल का यह गोचर आपको एक तो ट्रांसफर दे सकता है अच्छा और बहुत अच्छा स्थान परिवर्तन के साथ साथ, अगर आप रेंट पर रहते हैं तो मकान परिवर्तन भी हो सकता है आपका, उसके साथ साथ प्रमोशन के अधिक चांसेस हैं और आध्यात्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। अच्छी संभावनाएं तो आपके लिए धन लाभ की भी हैं, करियर में भी उन्नति के हैं, लेकिन आपको यहां पर कर्ज से किसी प्रकार से किसी को पैसा देना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है, किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, इस चीज से बचना है। लव लाइफ में थर्ड पार्टी बहुत परेशान कर सकती है और थर्ड पार्टी के साथ में आमना सामना भी हो सकता है, यह स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, द्वितीय भाव के मंगल आपकी राशि से द्वितीयस्थ मंगल, वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा, पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखना होगा, परिवार के लोगों से मतभेद और कलह की स्थिति बन सकती है और खास करके लव मैरिज को लेकर के झगड़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पार्टनर अपने एक्स पार्टनर के साथ में बातचीत करते हुए भी पकड़े जा सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा जो लॉयल्टी का एक भरोसा था पार्टनर से, वो कमजोर होता हुआ नजर आ सकता है इस गोचर के लास्ट अंतराल में। खास करके बहुत ज्यादा संभावनाएं इस बात की भी बनती हैं कि आप कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करें, कोई बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी भी इस गोचर में मिल जाए आपको। मंगल के खास करके अष्टम दृष्टि से, चतुर्थ दृष्टि से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ भी
लेकिन बहुत ज्यादा आपकी सातवीं मंगल की सातवीं दृष्टि और आपकी आठवीं दृष्टि नवाब भाव पर पड़ेगी, इस आपको लाभ ही पहुंचाएगी। और लेकिन आपको ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि जितना धैर्य रखेंगे उतना आपका काम अच्छा होगा। और आपको सबसे ज्यादा शक करने से बचना है अपनी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके यहाँ पर वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए, झगड़े लड़ाइयाँ आपकी लोगों के साथ बढ़ सकती हैं। अगर कोर्ट कचहरी का कोई बहुत उलझन में फंसे हुए थे तो वो वहां से निकलने के भी प्रबल संकेत बन रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण आपका हो सकता है, और कोई अगर पैसा किसी ने ले रखा है, पैसा अटका हुआ है, तो वो वापस भी आपको मिल सकता है। मंगल के इस स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ बहुत बुरी स्थिति में पड़ जाएगी। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर की अफेयर इत्यादि आप पकड़ लें, मैरिड लाइफ बहुत खराब होगी। लेकिन आपके प्रॉपर्टी इत्यादि में आपको धन लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और मकान वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी इत्यादि का कोई कार्य रुका हुआ था, उसमें विलंब हो रहा था, तो बहुत जल्दी आपका काम बन सकता है, यह स्थिति है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपके लिए देखा जाए यहाँ पर झगड़े, कलह और खर्चे, ये तीनों आपके लिए बढ़ने वाले हैं, आपकी लाइफ में ये तीनों बढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके मंगल की चौथी दृष्टि, आपकी जो मेहनत का फल है, जो रुका हुआ फल है मेहनत का, वो आपको बहुत सालों बाद मिल सकता है। कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। और मंगल की सबसे ज्यादा जो सातवीं दृष्टि है वो आपका नुकसान कर सकती है। सातवीं दृष्टि से आपके शत्रुओं से विवाद ज्यादा बढ़ जाए, झगड़े बढ़ जाए, पुराने झगड़े जो सुलझ चुके थे वो फिर से एक्टिव हो जाए। उसके साथ साथ मंगल की सातवीं दृष्टि आपको मैरिड लाइफ में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करवा सकती है, तो किसी थर्ड पार्टी की भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। मंगल की आठवीं दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ को खराब करेगी, पार्टनरशिप के व्यापार को भी खराब करेगी। और मंगल की सातवीं दृष्टि आपको ये भी कहेगी कर्ज से बचें, कर्ज जितना कम लेंगे उतना चैन से जी पाएंगे। और सबसे ज्यादा आपको हेल्थ पर भी आपको ध्यान रखना है, हेल्थ में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। ब्लड इन्फेक्शन इत्यादि कुछ हो रखा है तो वहां पर आपको, एलर्जी इत्यादि कुछ है तो उसमें ज्यादा आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो एलर्जी बढ़ सकती है। तो ये स्थिति है दोस्तों मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव की। अगर आपको यह राशि परिवर्तन प्रभाव का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।